Hello student and welcome back to my channel. Today we will start a new exercise of chapter 6 is 6.5 question number 1. So let's start. See, question number first is sides of a triangle are given below. Aapko triangle ki sides given hai. Determine which of them are right triangle. Aapko check karna hai ki kaun se right triangle honge. इन केस अगर राइट ट्राइंगल है तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. अगर वो राइट ट्राइंगल है तो आपको हाइपोटेन्यूज की क्या साइड है वो आपको बतानी है. तो देखिए, फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. तीन साइड्स आपको दी है. आप कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है, ये कैसे फाइंड आउट करें. तो आपने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में यानी कि 8th क्लास में पढ़ा होगा कि दो स्मॉल साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा तो ही आपका वो क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल. यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ी साइड ये है. तो आप क्या करेंगे, इनको नाम ले लेते हैं हम. ए 7 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर. आपने स्क्वायर करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो ही वो राइट ट्राइंगल बनेगा. कैसे, ए मीन 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू सी है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, अब इन तीनों का हम स्क्वायर करेंगे. अब देखिए, 7 7 49 सेंटीमीटर को दो बार क्या स्क्वायर, 24 को 24 से करते हैं, 24 को 24 से, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 4 2 8 2 4. Here is 576 सेंटीमीटर स्क्वायर. 25 का होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एड 576 एंड 49. हियर इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए, आपकी दोनों की दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ गया, इक्वल. इसका मतलब ये तीनों मेजरमेंट से एक राइट ट्राइंगल बने. अब जो राइट ट्राइंगल बनेगा वो कैसे बनेगा, यहां आपकी हाइपोटेन्यूज है वो हो गई 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने बोला था कि जो हाईएस्ट, अगर ये इक्वल आता है तो हाइपोटेन्यूज ये होगी परपेंडिकुलर, और ये आप कुछ भी लिख सकते हैं. ये ऐसे भी बन सकता है और ये इधर या ये इधर हो सकता है. तो यानी कि इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यस, इट मेक अ राइट ट्राइंगल. इससे राइट ट्राइंगल बनेगा. देयरफॉर द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, तो ये किया हमने फर्स्ट पार्ट. अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट इज 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो सेम वही, आपने ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स ले ली. अब देखिए, मैंने आपको बोला सम ऑफ टू लेस, मतलब टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू ग्रेटर साइड. तो आपको दो छोटी छोटी ले लिया, ए और सी. हम लेंगे इस पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है, ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर, सी 6 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर. 3 3 9, 6 6 36 एंड 8 8 60. 36 and 9, 45 centimeter square.
इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल हैं? नो, LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट कैन नॉट मेक अ राइट ट्राइंगल। इस वजह से ये राइट ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो इसमें हाइपोटेन्यूज साइड्स भी नहीं रेडी हो। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब आपको ये साइड्स दी हैं, सेम उसी तरीके से करेंगे। ए ले लेते हैं 50, बी ले लेते हैं 80, सी ले लेते हैं 100। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों स्मॉलर है इससे। 50 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर। 5 जा 25, 0 कितनी हो जाएगी 2। 8 जा 64, 2 0। 100 का पहले 100 और दूसरा 100, ये आपके लिए इजी है। 1 जा 1 और 00 का डबल कर दो, 0 का डबल इस 0 का डबल, ऐड करेंगे 6 7 8 9 6 7 8 00 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों सेम है? नो, देयरफॉर इट कैन नॉट मेक अ राइट ट्राइंगल। जिनमें LHS है, LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, वो आपका ट्राइंगल नहीं बनाएगा। अब करते हैं इसका फोर्थ। नाउ फोर्थ पार्ट इज 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ए है आपका 13, बी हमने लिया 12, सी को मान लिया 5। दो स्मॉलर साइड लेनी है, ये दोनों इक्वल टू ग्रेटर। बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 सेंटीमीटर टू टाइम्स, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 12 को 12 से, ऐड करेंगे 961, यानी कि यहाँ पर देखिए LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट कैन मेक अ राइट ट्राइंगल। सो द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज, खुद देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, या फिर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, 13 सेंटीमीटर। ट्राइंगल कैसा बनेगा? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, या फिर 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13। ये इंटरचेंज हो गए, बट ये नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कौन सा एक 3 मेजरमेंट से एक राइट ट्राइंगल बन सकता है, आज हमने वो किया। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।